अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ चिकन की एक और नई रेसिपी शेयर करती हूँ जो आपने कभी न देखी होगी, शायद कभी न खाई होगी। मैं बना रही हूँ पालक चिकन रोल की रेसिपी। तो चलते हैं किचन की तरफ। सबसे पहले मैंने ले लिया है एक बोल। बोल में मैंने डाल दिया है बोनलेस चिकन, लगभग आधा केजी से ज़्यादा क्वान्टिटी के हिसाब से, जितने फैमिली मेम्बर्स हैं उतना हम बना सकते हैं। इसको मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले मैंने डाल दिया जिंजर गार्लिक पेस्ट का 1 टीस्पून, और डाल दिया जीरा रोस्ट किया हुआ 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 2 टेबलस्पून, ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। और मैं इसमें डाल देती हूँ चाट मसाला चटपटा बनाने के लिए। अब मैं इसमें डाल देती हूँ धनिया पाउडर 1 टीस्पून, और साथ में मैं डाल देती हूँ गरम मसाला 1 टीस्पून, और अब हम इसमें डाल देंगे नींबू, 1 नींबू का रस यानी कि जूस, और इसको हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैं नमक स्किप कर रही हूँ, हम बाद में इसको ऐड कर लेंगे नमक। अब रेस्ट के लिए रखते हैं लगभग 2 से 3 घंटे। अब दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई ली है, 1 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया है। अब ये डाल देंगे 2 घंटे के बाद हमने मैरिनेट किया हुआ चिकन इस कढ़ाई में डाल दिया। इसको हम फ्राई कर लेंगे, अच्छी तरह हम इसको कुक कर लेंगे। साथ में मैं डाल देती हूँ इसमें नमक। नमक से चिकन पानी छोड़ देगा, उसी पानी में हमारा चिकन जो है वो अच्छे से तैयार हो जाएगा। इसको हम ढककर पकाएंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे तब तक जब तक ना हमारा चिकन जो है वो गल जाए और ड्राई हो जाए। तो जब तक हमारा चिकन तैयार हो जाएगा तब तक आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। हमारा चिकन जो है ये तैयार हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं, साइड में रख देते हैं। चिकन हमारा ठंडा हो गया, अब हम इसको श्रेड कर लेते हैं यानी कि मैश कर लेते हैं। अब मैं फोक की हेल्प से कर रही हूँ, आप चाहे तो हाथ से भी कर सकते हैं, किसी चीज़ से भी कर सकते हैं। अब हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर लेते हैं यानी कि ग्रीन चिली चॉप की हुई। अब मैं डाल देती हूँ इसमें प्याज चॉप किया हुआ, और इसको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने से पहले हम इसमें डाल देते हैं हरा धनिया चॉप किया हुआ, और फिर हम इसको मिक्स कर लेते हैं, अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेते हैं। और टेस्ट लाने के लिए मैं इसमें डाल देती हूँ चीज़ सॉस, ये ऑप्शनल है, आप चाहे स्किप भी कर सकते हैं। तो इसको मिक्स करके हम इसको साइड में रख देते हैं। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप हमारा जो है वो बहुत ही इजी है। यहाँ पे मैंने पालक के पत्ते ले लिए हैं, मैंने बड़े पालक लाए के, इसके पत्ते बड़े बड़े थे, इस तरीके से मैंने वॉश करके रखे हैं। इनको हम फिल कर लेंगे अपनी चिकन के स्टेप से। पालक के पत्ते अगर मोटी डंडी है इसको हल्का सा आप पतला कर सकते हैं या ऊपर का हिस्सा काट सकते हैं। इसकी इस तरीके से हम इसकी फिलिंग करेंगे और साइड इस तरीके से रोल करके, इस तरीके से हम रोल करके इसको साइड में रख देते हैं। अगर आप गोभी का ले लेते हैं, गोभी का हम पहले हल्का सा ब्लांच करते हैं फिर करते हैं, लेकिन पालक यहाँ ब्लांच नहीं होगी, इसको हम बाद में स्टीम कर लेंगे। सारे जो रोल्स हैं हमारे तैयार हो गए हैं, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने एक छन्नी ले ली है, इसको हम हल्का सा ग्रीस कर लेंगे ऑयल से, और साथ डाल देते हैं ये पालक के रोल्स, इसको स्टीम कर लेंगे हम लगभग 5 मिनट, जब तक नहीं ये पालक सॉफ्ट हो जाए। ये देख लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। थोड़ा सा ऑयल ले लिया है मैंने, अब ये रोल्स मैं इसमें डाल देती हूँ। ये बहुत सिंपल और टेस्टी भी है बहुत, और डिफरेंट भी है, और इनको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इनको आराम से टर्न करते रहेंगे इस तरीके से, सारे पीसेस हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। अब मैं इसको निकाल देती हूँ, इसी तरीके से और पीसेस हम फ्राई कर लेंगे। शैलो फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं। यहाँ मेरा बेटा हेल्प कर रहा है मुझे सर्व करने में। मैं सर्व कर रही हूँ हरा धनिया और ग्रीन चिली की डिप बना के। आप चाहिए तो आप अपनी फेवरेट डिप के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। तो कैसी लगी आज की रेसिपी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। लेती हूँ इजाज़त, कल फिर मिलेंगे एक नए रीडर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।